हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एबीसीएम ग्राफिक्स। दोस्तों आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ फोटोशॉप की सीरीज की अगली क्लास, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा क्रॉप टूल के बारे में। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और फोटोशॉप में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों क्लोन का यूज मेनली कॉपी पेस्ट के लिए होता है, जैसे हमें कोई इमेज रिमूव करना है या कोई डुप्लीकेट करना है उसके लिए हम क्लोन का यूज करते हैं। क्लोन में ये रहा टूल में क्लोन स्टैम्प टूल जिसका शॉर्टकट कमांड एस है और पैटर्न स्टैम्प टूल जिसका शॉर्टकट कमांड दोनों का एस ही है। ठीक है, तो जैसे ये इमेज हमने ले लिया है, ठीक है, अब इमेज में ये एरोप्लेन है, हमें लग रहा है कि इसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट कमांड एस है। ठीक है, तो जैसे एस हमने प्रेस किया नॉर्मल एक सर्कल बन के आ गया। ये देखो ये नॉर्मल माउस था, हमने एस प्रेस किया तो एक सर्कल बन के आ गया। अब ऑल्ट के साथ हम क्या करेंगे, एक एरिया जो हमें जिसको रिमूव करना है वो एरिया हम डिफाइन करेंगे कि हमें किस हिसाब से रिमूव करना है। जैसे ये हम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया माउस से। अब क्या करेंगे इस वाले पे, ये देखो वहाँ से हम रिमूव कर रहे हैं ये एरिया, यहाँ पे जो एरिया था वो यहाँ से उन्होंने यहाँ से पिक कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट रिमूव हो गया। अब हमें लग रहा है कि ये रिमूव क्लोन से हम रिमूव भी कर सकते हैं और एक मतलब कॉपी भी कर सकते हैं, तो एक नया यहाँ पे हमने लेयर ले लेते हैं, शिफ्ट कंट्रोल एन से हम एक नया लेयर ले लेते हैं। जैसे नया लेयर ले लिया और लग रहा है कि हमें इसको एक मतलब डुप्लीकेट एक करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एक एरिया सोर्स एरिया डिफाइन करेंगे कि हमें कौन सा एरिया लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया, अब हम यहाँ पे ये देखिए ड्रैग करते जाएंगे नीचे। अब आपको देख रहा होगा जहाँ पे हम बना रहे हैं वहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है और जहाँ से ये एरिया डिफाइन किया हो वहाँ पे प्लस का साइन दिख रहा है। ये देखिए एक डुप्लीकेट ईजी बन गया। ठीक है, और ये तब तक रहेगा क्योंकि ये एरिया हमारा डिफाइन हो चुका, हम जितनी बार माउस को करेंगे ये देखिए आप वही एरिया आपका आता रहेगा। यहाँ पे सोर्स हमने जैसे यहाँ पे क्लिक कर लिया, अब सोर्स ले लिया ये देखिए। ठीक है, फिर से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे फिर से आपका वो आता है। ठीक है, ये हमारा क्लोन का यूज है। इसका जैसे आप इमेज पे पिंपल हटाने के लिए, पिंपल रिमूव करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा क्लोन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्लोन के लिए। क्लोन के लिए हमारा प्रॉपर एक एरिया डिफाइन होना चाहिए कि हमें किस एरिया को, जैसे मैं दूसरा एग्जांपल देके ये बताता हूँ, ये चीज़ जो है यहाँ पे इसको हमने ऑल्ट के साथ प्रेस करके क्लिक कर दिया, हम यहाँ लेके आना चाहते हैं। अब देखो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये चीज़ आपका आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अलग लेयर पर जैसे हमने कर रखा है, ठीक है, अलग लेयर पर आप करेंगे तो इसको जो एरिया आपको दिख रहा है ये जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है उसको आप रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखिए अब रिमूव हो गया, जो दिख रहा था अलग से वो पार्ट रिमूव हो गया। रिमूव का पता ही हमने बताया, इरेज बस बता ही रखा था, ओपेसिटी आप कम करके थोड़ा यहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको जहाँ से मतलब एरिया डिफाइन करके जो पार्ट लेना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जैसे हमने क्लोन के लिए ये किया, अब आप इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो टूल है, ठीक है, ये तो हमारा ब्रश साइज है, राइट क्लिक करके आप जैसे हमने किया था इससे पहले इरेजर टूल में सेम ऑप्शन है, साइज आप यहाँ से वाला छोटा कर सकते हैं, ओपेसिटी भी यहाँ से आप कर सकते हैं जो है। उसके बाद जैसे हम क्लोन पे हैं तो यहाँ पे साइज वाला है नॉर्मल है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, सेम आप ट्राई करके देखें सेम सब कुछ है, यहाँ से ओपेसिटी कम ज़्यादा होता है, फ्लो यहाँ पे है। अब लेयर में इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या है कि आप करेंट लेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे हमने इस वाले लेयर को सिलेक्ट किया, ठीक है, अब क्या ये चीज़ इस वाले लेयर पे ब्लैंक है, अब देखो कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे हमने एरिया डिफाइन किया, ठीक है, इस वाले पे, अब जैसे ये हम न्यू लेयर ले लिया एक नया लेयर, इस पे हमारा कुछ है ही नहीं, हम कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं रहा जैसे एरिया डिफाइन किया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा ऑल लेयर को, ऑल लेयर रहेगा तो ये एरिया ऑलरेडी हम जैसे यहाँ पे फेस डिफाइन कर लिए, अब आप जो करोगे तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक कर देगा, ये हमने डिफाइन किया, ये देखो क्योंकि ये ऑल लेयर पे है, इसमें तीन ऑप्शन है, करेंट लेयर, करेंट एंड बिलो एंड ऑल लेयर, ये हमारा हो गया। हम इसको कंट्रोल जेड करते हैं, इस सबको हटाते हैं। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल इमेज था। अब इसमें एक और थोड़ा डिटेलिंग है इसका, विंडो में जाएंगे, ठीक है, अब ये है क्लोन सोर्स,
क्लोन सोर्स ये है। अब इसमें क्या ऑप्शन है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है क्लोन सोर्स, इस पर हम करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे ये सबसे पहले इमेज को अनलॉक करेंगे, ये हमारा लॉक हो गया था। अब यहाँ पे हम ये एरिया हमने डिफाइन कर लिया, ठीक है, ये एरिया हमारा डिफाइन हो गया। अब जैसे ये पैटर्न इस एरिया के लिए डिफाइन हुआ, दूसरा जो है, ठीक है, एक साथ आप बहुत सारे एरिया जो है वो क्लोन सोर्स आप ले सकते हैं। जैसे दूसरा हम सोच रहे हैं कि ये ले लें, दूसरा एरिया मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। जब बहुत डीपली लेयर पे काम करेंगे तो एक साथ अलग अलग ये हमारे लिए वहाँ पे हेल्पफुल होता है। जैसे हमने ये दूसरा एरिया ले लिया, ठीक है, अब आप पहले वाले पे अब जब जाओगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक ये वाला पार्ट आपका रहेगा। पहले वाले पे जब आप आओगे, ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिक रहेगा। जब आप दूसरे वाले पे जाओगे, ठीक है, तो ये आपका, ये देखिए, जब आप दूसरे वाले पे जाओगे तो ये आपका रहेगा, ठीक है। तो ये क्लोन हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे बहुत डीपली लेयर पे हम काम कर रहे हैं किसी फेस पे, या मतलब किसी जैसे वेबसाइट के लेयर पे काम कर रहे हैं वहाँ पे हम कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें बहुत काम काम आते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमें बार बार ये डिफाइन नहीं करना पड़ता। इसी तरह से इसमें ये एक्स वाई मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। सबसे पहले ये हटाते हैं, एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ठीक है, ये हटा के न्यू लेयर ले, शिफ्ट कंट्रोल एन से एक हमने न्यू लेयर ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, डब्ल्यू एक्स, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा, ये देखिए, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल का है, ठीक है, ये हॉरिजेंटल का और ये वर्टिकल का है। जैसे ये चेयर है, ठीक है, आप थोड़ा जूम करके आप आराम से इसे ले सकते हो। ये चेयर जैसे इस साइड है, ठीक है, हमने साइड यहाँ पे छोटा करके हमने क्लिक कर दिया, ये हमने ऑल्ट के साथ प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पे इस वाले पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे ये एरिया यहाँ पे डिफाइन हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाओ, ये फ्लिप वर्टिकल, ठीक है, अब यही चीज को वर्टिकली ये डिफाइन कर रहा है। पहले हम हॉरिजॉन्टल सही से करके एक बार देख लेते हैं, ये शायद एक सेकंड क्लिक नहीं आई है सही से, इस पे जाते हैं, ये एरिया हम डिफाइन कर रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए उसके जस्ट अपोजिट ये एरिया आपको डिफाइन करके दे रहा है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, ये देखिए, अब यहाँ पे इस साइड डुप्लीकेट बना सकते हैं, ठीक है। जैसे ये पार्ट लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा है, आप क्या कह सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। न्यू लेयर पे है ऑलरेडी, न्यू लेयर पे जो भी पार्ट है आप इरेज कर सकते हैं। ये देखिए, हम इस पार्ट को हल्का, अगर ये स्मूथली है तो ओपेसिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ से इरेज कर सकते हैं ये पार्ट आराम से। आपको लग रहा है कि इस साइड भी एक्स्ट्रा है तो इस साइड भी आप इसको इरेज कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग लेयर पे है तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, और ये हम आराम से इसको इरेज करके रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। ये आप यहाँ से कहीं पे भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे साइज छोटा करके आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। ये पार्ट जैसे एक्स्ट्रा लग रहा है तो आप फिर से आप जूम करके जैसे यहाँ पे रखें तो ये एक्स्ट्रा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप इरेज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अलग लेयर पे होने का सबसे प्लस पॉइंट यही है, इसको हम आराम से इजली इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ओपेसिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इसका, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस में ये नॉर्मल डार्क एंड लाइट एंड ये कलर टोन का है वो कह सकते हैं। अब इसमें क्या है, ये जो है जैसे ये है, जैसे ये हमने यहाँ पे इस वाले पार्ट को ले लिया हमने, मैं आपको हल्का रोटेट करके आपको दिखाता हूँ, जैसे ये ले लिया। अब ये हल्का लग रहा है कि नहीं, इस एंगल पे नहीं होना चाहिए, थोड़ा रोटेट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मानो 20 ले रहे, 20 हमने ले लिया। अब हम क्लिक करते हैं, देखो अब कितना ये इसका एंगल हमने 20 ये कर दिया, तो ये जा रहा है, ठीक है। अब आप इसको -20 करके देखो, जैसे -20 या 30, अब ये देखो किस किस एंगल में आ रहा है, ठीक है,
ये देखो अब किस एंगल में, तो इसका एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं, -20 +20 जो भी हो इमेज के अकॉर्डिंग, ये आपको आप चेंज कर सकते हैं उसको। ये देखिए यहाँ पे आप जीरो करके ये एंगल भी आप चेंज कर, एक्स वाई से भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्लोन टूल था, अब इसी में आते हैं पैटर्न टूल। ठीक है, पैटर्न में कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न होते हैं, ये देखिए सेटिंग आप यहाँ पे जाके ऑलरेडी देख सकते हैं, लार्ज या स्मॉल जैसे हो, जैसे मतलब स्मॉल लिस्ट में ये आ जाता है, इसी को हम लार्ज कह देते हैं, ये थोड़ा लार्ज बन गया। जैसे मान लो कि ये पैटर्न हो, एक हमने न्यू लेयर ले लेते हैं उसमें, ठीक है ये, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा साइज बड़ा कर लेते हैं, साइज हमने बड़ा कर लिया, और ये हमारा पैटर्न, ये जो बैकग्राउंड हमें रखना है, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये हमने इसका पैटर्न ले लिया, ये हमारा पूरा पैटर्न है, ठीक है। इसमें कुछ प्री डिफाइंड पैटर्न है, जैसे मान लो कि ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे शिफ्ट कंट्रोल एन से एक न्यू लेयर ले लेते हैं, ठीक है। और ये दूसरा हमें पैटर्न लेना है, तो हम क्या करेंगे दूसरा पैटर्न यहाँ से हम कर लेंगे, जैसे ये बबल वाला पैटर्न है, ये देखो बबल वाला पैटर्न है, अगर आप मिक्स करके रखना चाहते हो तो मिक्स करके भी रख सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। और लग रहा है कि ये पैटर्न हमने क्या किया सेम लेयर पे ले लिया, मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो कि हमने शिफ्ट कंट्रोल एंड किया और न्यू लेयर पे हमने ये पैटर्न ले लिया, ठीक है। और हमने ये देखो ये पैटर्न हमने दे दिया, ये हमारा एक बैकग्राउंड बनता जा रहा है, बहुत ही अच्छा इफेक्ट दे रहा है। इसमें सबसे प्लस पॉइंट है कि आप खुद से भी नेट से डाउनलोड करके ले सकते हैं, इसमें क्या लग रहा है कि नहीं ओपेसिटी हल्का कम कर देते हैं, ओपेसिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब देखो कि ये प्लस पॉइंट है कि इसका ये देखो पैटर्न और इसका पैटर्न दोनों में ये एक टेक्सचर टाइप से इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न है, पैटर्न पूरे बैकग्राउंड पे भी ले सकते हैं, पर्टिकुलर किसी एरिया पे भी ले सकते हैं, ठीक है। पैटर्न का यहाँ से हम अलाइन कर सकते हैं, ये वही ओपेसिटी है, फ्लो है, और पैटर्न का ये एरिया है, ठीक है। इसमें ग्रे पैटर्न है, प्लेन है, इसमें आप ऑलरेडी ऑटोमेटिक आप खुद से भी नेट से डाउनलोड करके ले सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट सीरीज के क्लास में जब भी लेकर हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।